parents, teachers and principals of Kendavitan, selected persons here. तो मैं थोड़ा सा पहले अपने बारे में आपको बताना चाहूँगा. मैं करौली जिले के एक गांव से हूँ ओरिजिनली, और मेरी इनिशियल एजुकेशन वहीं से हुई थी 5th क्लास तक. उसके बाद 5th क्लास के बाद मेरा नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो गया था. नवोदय विद्यालय के लिए की तरह ही होते हैं, बट दे आर रेजिडेंशियल स्कूल्स इंग्लिश मीडियम के. उसके बाद IIT में मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो मैंने IIT कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया. IIT कानपुर से मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया था इंडियन ऑयल में. तो लगभग मैंने 8 साल तक इंडियन ऑयल में जॉब की थी. तो जब मेरे स्कूल डेज या कॉलेज डेज होते थे, उस समय मेरे दादाजी बहुत कहते थे कि तुम सिविल सर्विसेज की तैयारी करो. पर उस समय मतलब मेरे दिमाग में कभी वो आइडिया अपना नहीं बन पाया. मतलब कभी कभी कोई चीज़ घर वाले कहते हैं लेकिन उसे आप अपना नहीं पाते हो, क्योंकि वो आपका आइडिया है. तो वो आइडिया हम तब नहीं अपना पाए थे, लेकिन 2013-14 के आसपास मेरा ट्रांसफर हो गया था इंडियन ऑयल में जयपुर. तो तब मुझे कुछ लोगों ने बताया, मुझे इसके बारे में पता चला. फिर मैंने इसका सिलेबस देखा सिविल सर्विसेज का. तो वो सिलेबस देखने के बाद में और कुछ पिछले 1-2 साल के पेपर देखे, तो फिर मुझे लगा कि यार ये चीज करने लायक है. और इसे करने से पहली बात तो आदमी ये सोचता है कि सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अगर सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो मुझे लगता था कि मैं इस देश का एक बेहतर नागरिक बन पाऊंगा. क्योंकि वो पूरा सिलेबस इस तरीके से डिजाइंड है कि उससे जो टिपिकली इंजीनियर होते हैं वो मैकेनिकल पढ़ाई करते हैं, थोड़ा ज़्यादा मैथमेटिक्स साइंस दुनिया से दूर से हो जाते हैं. तो वो सिलेबस पढ़ने के बाद में आप समाज से थोड़ा ज़्यादा जुड़ पाओगे, थोड़ा ह्यूमैनिटी वाला तुम्हारे अंदर डेवलप होगा. तो प्राइमरी मोटिव वही था. फिर मैंने सोचा कि इस एग्जाम की मुझे तैयारी करनी चाहिए. मेरी इस दौरान शादी हो गई थी, 2006 में मैं पास आउट हुआ था कॉलेज से, 2007 में शादी हो गई थी. और जब मेरे दिमाग में आइडिया आया था उस समय मेरी एक बेटी मिली. सो इट वॉज क्वाइट लेट बाई ऑल स्टैंडर्ड्स. मतलब उस समय टिपिकली इस तरह की बातें सोची नहीं जाती कि आपकी फैमिली भी है, यू आर द ओनली अर्निंग पर्सन. तो फिर मैंने अपनी वाइफ के साथ डिस्कस किया कुछ समय, मतलब 5-6 महीने मैंने नौकरी के साथ ही तैयारी की. पर मुझे पता था कि मतलब नौकरी के साथ इस तरह सिलेक्शन हो नहीं पाएगा. सो नाउ अ टफ चॉइस हैड टू बी मेड, या तो आप इस सपने में भूल जाओ और चुपचाप नौकरी करते रहो, और या तो नौकरी छोड़ दो. दोनों ही काम मुश्किल थे. नौकरी छोड़ दो तो घर वालों का ध्यान कौन रखेगा. और उस समय दुर्भाग्य से मतलब Neostencil वॉज नॉट स्टार्टेड. ऐसा कुछ ऑनलाइन कोर्सेज की फैसिलिटी नहीं होती थी, तो अगर पढ़ने के लिए सब कुछ दिल्ली जाना है तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी. बात बहुत ऑब्वियस है, उसमें बीच का रास्ता नहीं था जो रास्ता आज ये लोग अवेलेबल करा रहे हैं कि आप दिन में नौकरी कर लो और रात में आप ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू अपना पढ़ लो. सो दैट वाज नॉट पॉसिबल एट दैट टाइम. सो आई हैव नो चॉइस बट टू रिजाइन. तो फिर मैंने रिजाइन कर दिया. उस साल मैंने खूब मेहनत करके एग्जाम के लिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ. तो मतलब इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक ए डिजास्टर. इतने कॉन्फिडेंस में आगे छोड़ भी दी. मतलब नौकरी छोड़ना, इंडियन ऑयल की नौकरी छोड़ना कोई आसान काम नहीं है. मतलब घर वाले जो है, मेरे ससुराल वाले सब लोग, मतलब इतना हैवी प्रेशर से क्रिएट हो जाता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, इट्स लाइक यू आर मर्डरिंग समथिंग. मतलब तुम पागल हो गए वैसे अलग हालात थे. तो मुझे, मैंने उन सब लोगों को प्रॉमिस किया था कि मतलब आई विल गिव यू ए बेटर लाइफ देन प्रेजेंट. तो वो प्रॉमिस भी टूट गई. मतलब उस साल सिलेक्शन नहीं हुआ था. उसके बाद फिर मैंने दोबारा नौकरी ज्वाइन की. ऐसा आ रहा है मेरा सेकंड अटेम्प्ट में भी समाउ सिलेक्शन नहीं हुआ. फिर IAS में जब सिलेक्शन नहीं हो रहा था, तो इन द मेन टाइम मैंने RAS के भी फॉर्म भरने शुरू कर दिए थे. तो RAS में फिर हो गया कि मेरी थर्ड रैंक आ गई इस साल 2016 में. बट माई फाइनल टारगेट जो था, दैट टारगेट इज स्टिल नॉट अचीव एंड आई एम स्टिल इन द प्रोग्रेस. इस साल जैसे मैं प्रीलिम्स दे रहा हूँ, मैंने हाथ खड़ा किया था वहाँ पे, थ्री टाइम्स नॉर्मल दे रहा था. जो सोच के हमने रिजाइन किया था, जिस सोच के हमने इतनी रिस्क ली थी, दैट वाज नॉट अचीव. तो मैं कुछ बातें अपने जो ये 3-4 साल का एक्सपीरियंस है इसके बेस पर आपको बताना चाहता हूँ कि एक तो यदि आप कोई मुश्किल काम करना चाहते हैं, तो थोड़े जो भी आपके पहले से प्रिजुडिसेस हैं कि भाई इसकी वजह से नहीं होता, उसकी वजह से नहीं होता, वो सब आपको त्यागने पड़ते हैं.
जैसे टिपिकली कुछ लोग सोचते हैं यार हिंदी मीडियम वालों का नहीं होता, मैं तो वैसे इंग्लिश मीडियम से हूँ, पर कुछ लोग ऐसे सोचते हैं हिंदी मीडियम वालों का नहीं होता, तो इस बार आरएएस का जो टॉपर है हिंदी मीडियम से। आरएएस का सिलेबस कुछ इस बार चेंज कर दिया गया था पिछले 2-3 सालों में, उसमें मैथमेटिक्स और साइंस का वेटेज थोड़ा सा बढ़ गया था, तो इस वजह से कुछ आर्ट वाले बच्चे ये सोचने लगते हैं कि अब हमारा नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरे जो मैथमेटिक्स और साइंस वाला पेपर था आरएएस का सेकंड पेपर, उसमें रिलेटिवली बाकी लोगों से बहुत कम नंबर है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैथ्स पढ़ने की क्या जरूरत है, आईआईटी कर रखा है तो मैथ्स तो वहीं कर लेंगे एग्जाम में सीधे। तो उस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मैं एग्जाम में सीधे ही करता था, और कई बार नहीं हो पाते क्योंकि आपको आउट ऑफ टच हो गए, 7-8 साल हो गए, 10 साल हो गए, तो आप नहीं कर पाते। तो इसलिए मैट्रिक टेस्ट की डिसिप्लिन वे में प्रिपरेशन जरूरी है, किसी भी चीज में आप बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते कि ये तो हम कर ही रहेंगे एग्जाम। उसके बाद एक इशू होता है सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड का, टिपिकली मतलब कोई गांव में पढ़ा है, एक अर्बन एजुकेटेड लोग हैं, या किसी की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत पुअर होती है, जैसा मैडम ने बताया कि भाई पढ़ा रहे हो पैसे ही नहीं है, सो ऑल दीज कंस्ट्रेंट्स आर रियल, ऐसा नहीं कि वो सब कंस्ट्रेंट फ्लिमसी हैं या ऐसे ही, दोज कंस्ट्रेंट्स आर रियल। लेकिन फिर भी यदि आपने कोई सपना पाल रखा है तो आपके जो सपने की ताकत होती है, जो जज्बात होते हैं, कहीं ना कहीं दे आर एबल टू ओवरकम दैट। और ये देश ऐसे एग्जाम्पल से भरा पड़ा है जहां लोग एकदम जीरो से हीरो बन गए। तो यदि आप भी बहुत सारे कंस्ट्रेंट से गुजर रहे हैं तो टेक देम एज पार्ट ऑफ योर लाइफ, एवरीथिंग अबाउट लाइफ कैन नॉट बी चेंज, कुछ चीजें मतलब हमें मिली हैं, तो जो चीजें आपको मिली हैं उनके साथ आपको जीवन गुजारना है, जो कंस्ट्रेंट्स आपको मिले हैं उन कंस्ट्रेंट्स में आप क्या बेहतर कर सकते हो वही आपको सोचना है। जहां तक एग्जाम स्पेसिफिक इश्यूज की बात है तो उससे पहले वाले दोनों लोग आपको काफी गाइड कर ही चुके हैं, तो उसमें ऐसा कुछ बहुत स्पेशल मेरे पास नहीं है, बट कुछ फिर भी 2-4 पॉइंट में बताना चाहता हूँ कि एक तो कोई भी एग्जाम जब आप देना चाह रहे हैं तो उससे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जरूर देख के जाए, क्योंकि अल्टीमेटली इन एग्जाम का सिलेबस इतना लंबा चौड़ा होता है, तो आपको सिलेबस में से ये फिगर आउट करना है कि कौन से एरिया में से ज्यादा सवाल आते हैं, तो वो फिगर आउट करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप पिछले 10-15 सालों के पेपर स्कैन कर लो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस एरिया से सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं, तो उन एरिया में आपको ज्यादा फोकस करना है। और कई बार सर ने बताया कि क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं प्रीलिम्स में, अप्रॉक्सीमेटली 30-40 क्वेश्चन पिछले 15-20 सालों के रिपीट होते हैं, अगर सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होते तो मिलते जुलते रिपीट होते हैं, लगभग उसी एरिया से होते हैं। तो इस तरह के एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आप करके जाए। दूसरी गलती जो मैंने की वो ये है कि एक्चुअली मुझे पढ़ने में बहुत मजा आता है और बहुत सारा मैं शुरुआत पढ़ता था, तो आई यूज टू स्टडी लाइक नॉवल, मतलब एक किताब पढ़ ली दूसरी पढ़ ली, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज डिफरेंट फ्रॉम इस तरह, नॉवल की तरह नहीं पढ़ सकते उसे, दैट स्टडी हैव टू बी एक्सट्रीमली सिलेबस स्पेसिफिक, किस सिलेबस में क्या दिया हुआ है, और आपका जितना भी नॉलेज है वो आपको सिलेबस के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं कंपोनेंट्स हैं उसमें अरेंज करना है, और वो अरेंजमेंट जैसे मैडम ने बताया कि वो आपको पहले ही होमवर्क घर पे ही करना है, क्योंकि वो होमवर्क आप एग्जाम में कर ही नहीं सकते, घर पे यदि पेपर पे आपकी इंफॉर्मेशन अच्छे तरीके से अरेंज है तो यू विल बी एबल टू रिप्रोड्यूस दैट इंफॉर्मेशन इन द सेम वे इन द एग्जाम। तो वो होमवर्क करना जरूरी है, पढ़ाई हमेशा सिलेबस के हिसाब से होती है, सिलेबस आपको याद होना चाहिए लिटरली, कि मतलब अखबार में यदि आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो मैटर है, ये जो न्यूज है, ये मेरे सिलेबस के उस पॉइंट से रिलेटेड है, और अगर इस न्यूज के बारे में मुझसे कुछ पूछा जाएगा तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। बाकी रिवीजन करना बहुत जरूरी है टिपिकली, जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं तो पढ़ के खुश हो जाते हैं एक्चुअली पढ़ के, लेकिन कुछ ना कुछ उसके नोट्स बनाने बहुत जरूरी है कि मुझे पूरी कहानी आपने पढ़ी उसमें से आपको क्या समझ में आया, तो उसके लिए क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो नोटेड होने चाहिए, और उनका बार बार रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम बार बार रिवाइज करते हैं तो वो परमानेंट मेमोरी में चला जाता है। जहां तक मोटिवेशन
एजुकेशनल इश्यूज का सवाल है तो अपार्ट फ्रॉम जैसा इन्होंने बताया कि टीचर्स का रोल होता है, पेरेंट्स का रोल होता है, तो मेरे केस में एक्चुअली मेरी वाइफ का रोल बहुत ज्यादा है। वो हमेशा मुझे कहती थी मतलब तुम्हारा हो जाएगा, अभी भी कहती हूँ मतलब दिस इज माई लास्ट अटेम्प्ट, लेकिन उसे इतना कॉन्फिडेंस है कि आपका पक्का होगा, रैंक आएगी। तो उसने मुझे कभी डिस्करेज नहीं किया, जबकि सच्चाई है कि मेरे डिसीजन की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी उसी को हुई कि अच्छी खासी आपकी नौकरी चल रही थी, आपने छोड़ दी। तो परिवार के जितने भी मेंबर्स हैं, टीचर्स हैं, सबका रोल होता है। बाकी अभी जैसा मैंने आपको बताया, हमारे टाइम पे न्यूस्टेंसिल की फैसिलिटी नहीं होती थी, तो मुझे बहुत टफ डिसीजन लेना पड़ा था। लेकिन आज की तारीख में क्या है, इस तरह के ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है कि आप यहाँ पे घर बैठ के जो बेस्ट फैकल्टी है उससे आप पढ़ सकते हो, और उसके लिए आपको अपनी नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है। जो काम आप पहले से कर रहे हैं वो करते रहें, उसके और भी बहुत फायदे हैं। जैसे टिपिकली मैं दिल्ली भी रहा हूँ एक साल, तो वहाँ पर जाके क्या रूम वूम लेके रहते हैं, खाना पीना अच्छे से नहीं मिलता, बीमार हो जाता है। क्लास में जाना होता है तो 500,000 लोगों की भीड़ होती है, तो उसमें आपको क्लास अपने 2 बजे शुरू होगी तो 1:30 बजे पहुंचना पड़ता है क्लास में, 1 बजे पहुंचना पड़ता है, तो आपके 1-1 घंटे आने जाने के एक्स्ट्रा वेस्ट हो जाते हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू आपको वही मटेरियल है, वो आपको घर पर बैठे चुपचाप अच्छी हेल्थ मेंटेन करते हुए अच्छा पीसफुल एनवायरमेंट में अपने रूम में बैठ के आप पढ़ सकते हो। तो ये इन्होंने फैसिलिटी बहुत अच्छी दी है, और इस चक्कर मुझे दोबारा रिजाइन नहीं करना पड़ा। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस एग्जाम में देखो सर्टेनली कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लक जरूर होता है, क्योंकि इतने सारे लोग एग्जाम देते हैं, प्रीलिम्स वहां पे 1-2 नंबर भी ऊपर नीचे हो गए, तो पिछली बार भले यहाँ पे मेंस में सिलेक्शन हुआ, हो सकता है अगली बार प्रीलिम्स में ना हो, या पिछली बार के सेलेक्टेड लोग कुछ लोग रहे इम्प्रूव करने के लिए एग्जाम देते हैं, उनका अगली बार प्रीलिम्स में नहीं होता। तो सर्टेनली There is a factor of luck. तो इसलिए जरूरी है कि आप जो है ना सब कुछ छोड़ के हाथों के पीछे ना पड़े, आपके पास कुछ ना कुछ बैकअप ऑप्शन होना बहुत जरूरी है। जैसे शुरू में 1-2 अटेम्प्ट या 3 अटेम्प्ट आपने पूरी मेहनत करके दे दिए, उसके बाद ना आपके पास कुछ ना कुछ बैकअप ऑप्शन होना चाहिए, अगर IAS नहीं तो क्या। इसलिए आप स्टेट PCS दे सकते हो जैसे मैंने दिया, या और सारे एग्जाम्स दे सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली ऐसा नहीं है, देखो लाइफ जो है लाइफ इज मोर देन एनी एग्जाम और एनी जॉब। भगवान ने जिंदगी एक बार दी है तो जिंदगी जीना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि एक चीज मुझे नहीं मिली तो बस लाइफ खत्म, नाउ आई कैन नॉट डू एनीथिंग, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि लाइफ इज सर्टेनली फार मोर प्रीशियस, और आपकी जिंदगी में आपके अलावा और लोगों का भी अधिकार है, पेरेंट्स का, फैमिली वालों का, इवन देश का। तो कुछ बैकअप ऑप्शन रखें, अपनी मेहनत में कोई कसर ना छोड़ें, पूरी ईमानदारी से मेहनत करें, लेकिन सपोज उसके बाद भी यदि नहीं होता है तो उसके बाद वहां पर दुनिया खत्म नहीं होती, लाइफ हैव टू कीप प्रोग्रेसिंग। तो यही मेरा मैसेज है कि आप जब काम करें तो अपना पूरा मेहनत से करें, सो दैट यू डोंट रिग्रेट। तुम्हें मतलब जिंदगी में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार मैंने लाइफ में वो कमी छोड़ दी। जैसे सपोज इवन मैं 2014 में इंडियन ऑयल से रिजाइन नहीं करता तो मेरे दिमाग में हमेशा एक कीड़ा रहता कि यार मैं रिजाइन कर देता, पढ़ लेता ना ये 2 साल तो IAS बन जाता। अभी कम से कम ऐसा नहीं है, वो दर्द नहीं है लाइफ में, क्योंकि मैंने अपनी पूरी कोशिश की, मैं अभी भी कर रहा हूं। तो आपके हाथ में जो है वो आप करें, जिससे जीते जी आपको पछताना ना पड़े। और बाकी जो भी यहाँ पे एस्पिरेंट्स हैं, मैं उनको बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बाकी कोई RAS स्पेसिफिक सवाल है तो आपके अच्छे से समझ के अपने नोट्स को कहीं ना कहीं बनाने पड़ेंगे, सो दैट यू कैन रेफर टू इट। RAS प्रीलिम्स के लिए देखिए, RAS प्रीलिम्स में लगभग
150 क्वेश्चन आते हैं ना, तो उस 150 में से लगभग 100 क्वेश्चन तो नेशनल इश्यूज के होते हैं, कहने का मतलब जो टिपिकली जो इन दोनों लोगों ने बताया वो वहाँ के लिए भी एप्लीकेबल है, क्योंकि सिलेबस कॉमन है काफ़ी हद तक। और जो राजस्थान स्पेसिफिक पार्ट है उसके लिए जैसे कुछ बुक्स हैं जो मैंने फॉलो करी, जैसे एक एटलस आता है सिकवाल का, तो उसमें लेफ्ट साइड में क्या है इंफॉर्मेशन नहीं होती, राइट साइड में मैप होता है, तो उससे क्या याद करने में बड़ी आसानी होती है। मतलब मेरे लिए जैसे कोई भी चीज़ मुझे पता हो ना मैप में यहाँ पे है, या मुझे पता हो कि दुनिया में वहाँ पे है, वो परमानेंट मेमोरी चली जाती है, तो वो बड़ा हेल्पफुल है। उसके अलावा आप पिछले 10 साल के सवाल करके जाएं, वो टिपिकली हर बुक में दिए होते हैं, जैसे कोई भी बुक आप देखेंगे पनोरमा है, लक्ष्य है, तो पीछे जो चैप्टर के पीछे सवाल दिए होते हैं, तो उसमें लिखा होता है सवाल कौन से साल पूछा गया था, तो वो सारे सवाल आपको करके जाने। बाकी मूमल आरएस के लिए बहुत हेल्पफुल है, मतलब ये वाली जब मैंने एग्जाम दी थी आरएस 2016 वाली, तो सच्चाई है कि मैं उस समय नोएडा में जॉब कर रहा था, तो वो मूमल मैंने 2 दिन पहले करी थी, और उसको मैं ट्रेन में बैठे बैठे पढ़ते पढ़ते आ रहा था, और उस मूमल में से अप्रॉक्सीमेटली 20-30 सवाल आए थे 150 में से। तो यहाँ पे लोग शायद ज़्यादा मेहनत नहीं करते सवाल बनाने के लिए, टिपिकली जो स्टैंडर्ड बुक्स में होते हैं या मैगजीन्स में होते हैं वहीं से उठा के वो एडिटेज पूछ लेते हैं। तो मूमल जो करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन आती है, दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर आरएस। और कुछ? गुड मॉर्निंग सर, राजेंद्र पाटला हियर। So good morning, Rajendra Parma here. So my question for you is that for preparing for the RS examinations, we see that there is not a lot of material in English medium. So how did you prepare and from where you get your material? As we see that in market there are not much material in English medium, specifically for Rajasthan GK. So how did you sort out this issue? And the second question is that how the NCERT's books to support in preparing for this examination, because we see that the mains pattern of the RS examination is something like factual, not so much conceptual, and the NCERT books also covering the point-to-point syllabus in the common syllabus it's seen in both the RS examination and the NCERT books. And the NCERT books which are having some exercises at the end of the chapter, can those exercises should be approached from the same point or same approach which we can appear for the RS exams? देखो जहाँ तक material का सवाल है ना, तो ये सच है कि राजस्थान वाले पार्ट के लिए material English में available नहीं है, और मैंने exam English medium में लिखी थी तो मुझे काफ़ी दिक्कत आई थी, लेकिन इसके बावजूद कुछ कुछ material available है, जैसे psychology वाला जो part है तो उसके लिए psychology की NCERT की जो book है, मतलब word to word वो syllabus वहीं से उठाया गया है, तो आप साइकोलॉजी के एनसीईआरटी बुक पढ़ सकते हैं। उसके अलावा एक वेबसाइट है आरएसआरटीएस करंट अफेयर्स करके, कुछ आप गूगल में डालोगे ना तो आ जाएगा आरएसआरटीएस प्री नोट्स करके, तो उसका मटेरियल इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। इकोनॉमी का जहाँ तक सवाल है, तो राजस्थान का जो इकोनॉमिक रिव्यू डॉक्यूमेंट आता है बजट से पहले, तो वो डॉक्यूमेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, तो इकोनॉमी इंग्लिश मीडियम में वहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन जो हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर वाला है उसमें सर्टेनली इंग्लिश मीडियम में आज की तारीख में मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए मतलब हिंदी में पढ़ के इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का अलावा कोई चारा नहीं। जहाँ तक एनसीईआरटी से सवाल है, तो एनसीईआरटी देखो आपकी बैकग्राउंड तैयार करती है, तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी दिमाग में एक फ्रेमवर्क बनता है, तो एग्जाम में चाहे क्वेश्चन कुछ भी पूछे लेकिन एनसीईआरटी पे भी पढ़ना बहुत जरूरी है आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। मेरा क्वेश्चन राजवीर सर से है सर, एथिक्स